बढ़े ना, बढ़े ना। यूएलएफए के ने शांति समझौते पर हस्ताक्षर कर दिया। अमित शाह की मौजूदगी में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। असम में शांति के लिए बहुत बड़ा समझौता हुआ है, तो ये समझौता मेरे लिए खुशी की बात है, ये कहना है अमित शाह का। पीएम ने दिल्ली से नॉर्थ की दूरी कम की है, ये भी उन्होंने कहा। और साथ ही कहा कि उल्फा राज्य और केंद्र सरकार के बीच में शांति समझौता असम की शांति के लिए महत्वपूर्ण कदम है। असम के भविष्य के लिए आज सुनहरा दिन है, ये भी गृह मंत्री की तरफ से कहा गया। तो गृह मंत्री अमित शाह की पहल पर यह समझौता हुआ है। शांति समझौते के बाद में उल्फा के हजारों उग्रवादी आत्मसमर्पण करेंगे और आत्मसमर्पण के बाद में उग्रवादी समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकेंगे। शांति समझौते से असम में उग्रवादी घटनाओं पर भी लगाम लग सकेगी। भारत सरकार, असम सरकार और यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम उल्फा, उसके बीच में जो ट्राइब पार्टी समझौता हुआ है, इससे आसाम के सभी हथियारी ग्रुपों की बात को यहीं पर समाप्त करने में हमें सफलता मिल रही है। ये आसाम और नॉर्थ ईस्ट की शांति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज इस एमओयू के माध्यम से उल्फा के प्रतिनिधियों ने सभी हथियार और गोला बारूद को आत्मसमर्पण करने के लिए, सशस्त्र संगठन को भंग करने के लिए, कैडरों के कब्जे वाले सभी शिविर को अति शीघ्र खाली करने के लिए और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए, देश की एकता और अखंडता में सहभागी होने के लिए सबने सहमति दी है। ये मेरे लिए बहुत आनंद का विषय है।